नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ काल भैरव की सवारी कैसे आती है इसके बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो श्रद्धालुओं, आइए जानते हैं कि काल भैरव की सवारी कैसे आती है इसके बारे में। काल भैरव भगवान शंकर का ही एक रूप है और कई तरीके से इनकी पूजा की जाती है, इनकी साधना की जाती है। कई बार पूजा और साधना करने के बाद भी लोगों को काल भैरव भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती और चाहते हुए भी उन पर काल भैरव की सवारी नहीं आती। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग माँ काली, माँ दुर्गा एवं हनुमान जी की सवारी के लिए साधना करते हैं और उन्हें उनकी सवारी प्राप्त होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग इन देवी देवताओं की मन से आराधना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, इनकी साधना करते हैं। अगर आप भी किसी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि पूर्ण विश्वास और पूरे नियमों के साथ ही देवी देवताओं की साधना, पूजा, आराधना करें। अगर आप श्रद्धा भक्ति से देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है, साथ ही उनकी सवारी भी आती है। तो चलिए जानते हैं कि काल भैरव की सवारी कैसे आती है इसके बारे में। भैरवा पूर्ण रूपो ही शंकरा परमात्मना, मूढ़ास्ते वे ना जानंती मोहिता शिव मायया। मतलब तंत्रालोक में भैरव शब्द की उत्पत्ति भैवी मादि भी अवतीति भैरव अर्थात भीमदि भीषण साधनों से रक्षा करने वाला भैरव है। रुद्र यामल तंत्र में 10 महाविद्याओं के साथ भैरव के 10 रूपों का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि कोई भी महाविद्या तब तक सिद्ध नहीं होती जब तक उनसे संबंधित भैरव की सिद्धि ना कर ली जाए। काल भैरव की साधना के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करके ही हमें साधना का फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि काल भैरव की साधना के कौन कौन से नियम हैं। तो मैं सबसे पहले आपको काल भैरव की साधना के नियमों के बारे में बताऊंगी। साधना करने से पहले आप नहा धोकर साफ स्वच्छ कपड़े पहन लें। साधना या पूजा के लिए ऐसा स्थान चुनें जहाँ कोई आपकी साधना में विघ्न ना डाले। भोग के लिए मीठे पुए बनाकर रख लें। कोई भी तामसिक वस्तु घर में ना रखें और ना ही साधना के दिनों में किसी तामसिक वस्तु का सेवन करें। किसी के लिए मन में गलत धारणा ना रखें, ना ही गलत शब्दों का प्रयोग करें। साधना के दौरान आप ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। इन नियमों का पालन करते हुए आपको साधना करनी है, पूजा करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको साधना का फल अवश्य प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि साधना की विधि, पूजा की विधि क्या होगी। एक लाल कपड़ा लें, उसे एक पटिए के ऊपर बिछा लें। अब पटिए के ऊपर काल भैरव का चित्र या मूर्ति को स्थापित करें। मूर्ति के समक्ष घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएँ, अगरबत्ती जलाएँ, धूप जलाएँ। अब काल भैरव के समक्ष मीठे पुए का प्रसाद चढ़ाएं। इस पूजा में आपको अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाना है। जब आप सुरक्षा घेरा बनाएंगे तब आपकी साधना के बीच कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी और आपको काल भैरव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। 41 दिन तक आपको इसी प्रकार से काल भैरव की पूजा करनी है। इसके बाद आपको एक यज्ञ करना है और इस मंत्र से आपको यज्ञ में 108 बार आहुतियाँ देना है। मंत्र है ओम वैहर्णम च भैरवा। फिर से सुनिएगा, ओम वैहर्णम च भैरवा। इसी मंत्र को
आपको काल भैरव की साधना के दौरान, पूजा के दौरान बोलना है। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी, जब आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, आपको मीठे पुए का प्रसाद काल भैरव के मंदिर में अर्पित करना है और काले कुत्ते को इस भोग का एक हिस्सा चढ़ाना है और खिलाना है, और बाकी का जो प्रसाद है वह स्वयं ग्रहण करना है। इसके बाद जब भी आप काल भैरव का आह्वान करेंगे, आपको काल भैरव की सवारी अवश्य ही प्राप्त होगी। आपको कुछ अनुभव तो साधना के दौरान ही हो जाएंगे कि आपको उनकी सवारी प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप पूरे नियम से उनकी पूजा करेंगे, पूरे नियम से आप भगवान भैरव का आवाहन करेंगे, तो आपको काल भैरव की सवारी अवश्य ही प्राप्त होगी। क्योंकि जब हम किसी भी देवी देवता की पूर्ण रूप से समर्पित होकर समर्पण के साथ में पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आप सवारी लाना चाहते हैं और सवारी के लिए भगवान की साधना कर रहे हैं, काल भैरव की साधना कर रहे हैं, तो आपको पूरे समर्पण के साथ में उनकी सेवा करनी पड़ेगी और उनको भोग प्रसाद देना पड़ेगा। वे आपकी साधना से अवश्य ही प्रसन्न होंगे, और जब वे आपकी साधना से प्रसन्न होंगे तो आपको उनसे जुड़े हुए सपने आएंगे और आपको उस साधना का फल मिलेगा। इसके बाद आपको सवारी अवश्य ही प्राप्त होगी। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।